हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। तो 1 और 2 और इसका जो कॉन्सेप्ट है मैक्सिमा मिनिमा का, पूरी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लेना भाई, तभी ये एक्सरसाइज एकदम मक्खन समझ में आएगी आपको। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो फिर कहीं ना कहीं आपको समझने में दिक्कत होगी। और प्रीवियस एक्सरसाइज भी अपलोड कर चुका हूँ, वो भी देख लेना साथ के साथ। प्लेलिस्ट का लिंक पूरे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है भाई? तो मैक्सिमा मिनिमा पे कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। अब बोल रहा है फाइंड द लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा इफ एन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, फाइंड ऑल्सो द लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यूज। तो बोल रहा है कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पॉइंट भी बताओ, उनकी वैल्यूज भी बताओ, ठीक है भाई? तो यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव कुछ भी आप यूज कर सकते हो। मैं बताता हूँ आपको कैसे आपको इन क्वेश्चंस को करना है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहले पर आ जाओ। तीसरे का पहला है, फंक्शन दे रखा है x², ठीक है भाई? कभी कभी मैं आपको डबल डेरिवेटिव टेस्ट बताऊंगा, कभी कभी सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट, जोन सा ईजी लगेगा वो हम अप्लाई करेंगे, ठीक है ना? आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, कोई भी टेस्ट आप लगा सकते हो, सिंगल डबल दोनों, ठीक है ना? लेकिन कभी कभी सिंगल ज़्यादा हेल्प करता है, कभी कभी डबल ज़्यादा हेल्प करता है। प्रैक्टिस करोगे समझ जाओगे। यहाँ पर पहले इसका सिंगल डेरिवेटिव निकालो, सिंगल डेरिवेटिव क्या आ रहा है 2x। डबल डेरिवेटिव निकालो, डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है 2। अब डबल डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू डबल डेरिवेटिव टेस्ट, डबल डेरिवेटिव टेस्ट में होता है कि अगर डबल डेरिवेटिव 0 से बड़ा आ जाए, है ना, तो मतलब कि ये मिनिमा की कंडीशन है। अगर डबल डेरिवेटिव 0 से बड़ा आ जाए तो मिनिमा की कंडीशन है। अगर आपको पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालना है तो आपको एफ डैश एक्स को रखना पड़ेगा 0, तो 2x को रख दो 0, x हो गया 0। यानी कि x इक्वल टू 0 जो है ना, x इक्वल टू 0 इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है भाई? मैंने क्या बोला एक बार मैं दोहरा देता हूँ। अगर डबल डेरिवेटिव आपका 0 से बड़ा आ जाए, इसका मतलब ये कंडीशन हो गई मिनिमा की। और अगर आपको पॉइंट ऑफ मिनिमा चाहिए तो आप सिंगल डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखकर पॉइंट ऑफ मिनिमा निकाल रहे हो, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब आपको वैल्यू चाहिए, है ना भाई? पॉइंट तो आपको मिल गया, आपको वैल्यू चाहिए, तो आपको क्या कर दो, फंक्शन के अंदर 0 पुट कर दो। फंक्शन जो कि x² है, उधर 0 लगा दो। तो 0 का स्क्वायर सबको पता है भैया, 0 ही होगा। तो यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू है वो है 0, और जो लोकल मिनिमा है वो x इक्वल टू 0 है, ठीक है भाई? क्लियर हो गया, अगले पे चलते हैं। सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट में जी एक्स दे रखा है x³ - 3x, x³ - 3x। तो ये हमारा फंक्शन हो गया, ठीक है भाई? अब यहां पर क्या करेंगे, इसका अगर मैं सिंगल डेरिवेटिव करता हूं तो ये हो जाएगा 3x² - 3, और अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव करता हूँ तो ये हो जाएगा 6x - सॉरी ये तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 6x, 3 का हो जाएगा 0। अब डबल डेरिवेटिव 0 से कम है या 0 से ज़्यादा है अभी तो बता नहीं सकते, तो मुझे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे, अगर आपको क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए तब हम क्या करना होता है, जी डैश एक्स को बराबर रखो 0 के, यानी कि 3x² - 3 को बराबर रखो 0 के। तो 3 कॉमन ले लो, x² - 1 हो जाएगा 0, 3 उधर ले जाओ, इसको लिख दो x - 1 x+1। तो आपके पास दो वैल्यू आ गई, एक तो 1 आ गई और एक आ गई -1, ठीक है भाई? तो दो वैल्यूज आ गई, 1 और -1। अब मुझे चेक करना है कौन मैक्सिमा है कौन मिनिमा है, तो वो तो डबल डेरिवेटिव बताएगा ना। तो आप क्या करो, डबल डेरिवेटिव में पहले 1 रखो, तो ये हो जाएगा 6 * 1, तो ये हो जाएगा 6, ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो ये क्या कहेंगे, x इक्वल टू 1 इज कॉल्ड क्या होगा, पॉइंट ऑफ, अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो मैंने क्या बताया था, किसकी कंडीशन होती है, मिनिमा की। अगर आपको वैल्यू चाहिए तो g के अंदर क्या लगा दो, 1 लगा दो, यहाँ पर आ जाओ। तो 1³ - 3 * 1, 1³ - 3 * 1, तो ये हो जाएगा 1 - 3, आंसर आ गया -2। उसके बाद इसके अंदर क्या लगाओ, डबल डेरिवेटिव के अंदर -1 लगाओ, डबल डेरिवेटिव के अंदर यहाँ पर 6 * -1, तो ये हो जाएगा 6 * -1, ये हो गया -6। लेस देन 0 कंडीशन होती है मैक्सिमा की, इस कॉल्ड ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो और अगर आपको मैक्सिमा चाहिए तो
तो जी के अंदर माइनस वन लगा दो, यहाँ पर माइनस वन लगा दो, माइनस वन का क्यूब, माइनस वन का क्यूब माइनस थ्री माइनस वन, तो माइनस क्यूब वन का क्यूब माइनस वन होता है, तो आंसर कितना आ गया टू। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी माइनस टू और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी टू। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना आपको? अगर यार ऐसा लगे कि कुछ भी दिक्कत हो कमेंट जरूर कर देना भाई, अप्लाई ज़रूर करूंगा, डाउट क्लियर कर दूंगा एकदम तकाटक तरीके से। ठीक है भाई, तो बिल्कुल भी दिल पे बोझ ना रखे कि यार समझ नहीं आ रहा यार, तो क्या बोला है, क्या पढ़ाया जा रहा, समझ नहीं आ रहा, तो कमेंट करो यार, या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तीसरा पार्ट है इसका, एच एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है वो ज़ीरो से बड़ी है और पाई बाई टू से छोटी है। ठीक है भाई, इसका काफ़ी रोल है कि एक्स की वैल्यू जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, ज़ीरो से लेकर के पाई बाई टू तक। तो पहले इसका सिंगल डेरिवेटिव निकालो, सिंगल डेरिवेटिव क्या होगा इसका, कॉस एक्स, इसका माइनस साइन एक्स, फिर इसका डबल डेरिवेटिव निकालो, तो इसका हो जाएगा माइनस का साइन एक्स और इसका हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स, माइनस कॉमन ले लो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है भाई, अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू डिसाइड करेगी कि डबल डेरिवेटिव जीरो से कम है ज़ीरो से बड़ा है ना, डबल डेरिवेटिव पर क्या आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो कि लेस देन जीरो। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए यानी कि मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए मुझे एच डैश एक्स को क्या रखना होगा, एच डैश एक्स को रख दो ज़ीरो, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को क्या रख दो, ज़ीरो रख दो, तो यानी कि कॉस एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा साइन एक्स, साइन एक्स को नीचे ले जाओ, कॉस एक्स बाय साइन एक्स यहाँ पर क्या बचेगा वन, कॉट एक्स क्या हो गया वन। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है सिर्फ और सिर्फ पहले क्वाड्रेंट के अंदर, देख लो भाई ज़ीरो से पाई बाई टू का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में निकालनी है। तो पहले क्वाड्रेंट में कॉट वन कब आता है, 45 डिग्री पर, मतलब ज़ीरो से 90 की डिग्री के बीच में निकालनी है बस, वो 45 डिग्री है इकलौता बस। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करो, एच डबल डैश एक्स क्या था, माइनस का साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था ना, तो यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करोगे तो साइन पाई बाय फोर प्लस कॉस पाई बाय फोर, तो देखो भाई ये भी वन बाय रूट टू होता है, ये भी वन बाय रूट टू होता है, यानी कि ये तो पॉजिटिव आएगा ओवरऑल नेगेटिव, मतलब ये तो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। तो एक्स इक्वल टू पाई बाय फोर क्या हो गया, ये हो गया लोकल, नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो मैक्सिमा। अगर आपको वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो फंक्शन के अंदर क्या लगा दो, पाई बाय फोर लगा दो। फंक्शन क्या है भाई, ये रहा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है फंक्शन, यानी कि साइन पाई बाय फोर प्लस कॉस पाई बाय फोर, तो ये भी होता है वन अपॉन रूट टू, ये भी होता है वन अपॉन रूट टू, ये हो जाएगा टू बाय रूट टू, और अगर आप इसको रैशनलाइज करते हो रूट टू तो ये हो जाएगा टू रूट टू बाय रूट टू होता है टू, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी, रूट टू मिलेगी। ठीक है भाई, क्लियर हो रहा है ना, फोर्थ पार्ट पर आ जाओ, इसका फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में है फंक्शन दे रखा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, फंक्शन है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू है इस बार ज़ीरो से लेकर के टू पाई तक, पूरा सर्कल ही घुमा दिया इसने इस बार। ठीक है भाई, एक्स की वैल्यू है ज़ीरो से लेकर के टू पाई तक, तो इसका जब मैं डेरिवेटिव करूँगा तो साइन का होता है कॉस और कॉस का होता है माइनस साइन, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, फिर उसके बाद जब इसका डबल डेरिवेटिव करूँगा तो कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स और इसका हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है भाई, अब यहाँ पर देखेंगे डबल डेरिवेटिव ज़ीरो से कम आ रहा है ज़ीरो से बड़ा आ रहा है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए अगर मुझे एक्स की वैल्यूज चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए एफ डैश एक्स शुड बी ज़ीरो, यानी कि कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है भाई, तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन एक्स, इसको नीचे ले जाओ कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स, ये हो जाएगा नेगेटिव वन, कॉट एक्स हो जाएगा नेगेटिव वन। अब आपको इसकी वैल्यूज निकालनी है एक पूरे सर्कल के अंदर, ये ज़ीरो से लेकर के टू पाए, पूरा एक सर्कल घूम गया, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, कॉट कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, एक सेकेंड में होता है, एक फोर्थ में होता है, जो कॉट नेगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। अब यहाँ पर यार आपको थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए 11th क्लास की, अगर आपको नहीं आती है तो 11th क्लास के ट्रिगो का जो ये वाला कॉन्सेप्ट है,
इसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर के ये कॉन्सेप्ट जरूर समझो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो यार इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हर जगह यूज होने ही वाला है। अगर आप मान लो आपका ये कॉन्सेप्ट वीक है तो जाकर के स्ट्रांग करो उसको, ठीक है भाई। तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस कॉन्सेप्ट का, 3.2 का कॉन्सेप्ट है 11th क्लास का। तो यहां पर क्या आता है पाई बाय टू, यहां पर क्या आता है पाई, यहां पर क्या आता है 3π/2। तो ये हो गया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है भाई। पहले इसको लिख लो, 1 को लिख लो कॉट पाई बाय 4, क्योंकि 1 पर आता है ना। अब क्या मैं माइनस कॉट को, मुझे इसको सेकेंड में लिखना है, तो सेकेंड में अगर इसको लिखना है तो कैसे लिखूंगा, पाई माइनस ही तो लिखूंगा, पाई माइनस पाई बाय 4। तो कॉट से कॉट कट गया, पहला आंसर आ गया 3π/4। देख लो भाई, एलसीएम लोगे तो 3π/4 आ जाएगा। अब फोर्थ में होता है 2π-, फिर से मैंने क्या करा, नेगेटिव कॉट पाई बाय 4 को इस बार फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे लिखूंगा, 2π-π/4, कॉट से कॉट कट गया तो एक्स हो जाएगा 7π/4। थोड़ा मैं और डिटेल में आपको बता देता हूँ, देखो भाई कॉट पाई माइनस थीटा क्या होता है, नेगेटिव कॉट थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट है, कॉट 2π-थीटा क्या होता है, नेगेटिव कॉट थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो देखो ये ऐसे नहीं लिखा हुआ, ये ऐसे नहीं लिखा हुआ, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, थीटा पाई माइनस थीटा तो पाई माइनस पाई बाय 4। ये ऐसे लिखा हुआ है ना, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, इसी को फोर्थ में लिख दिया 2π-π/4। अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो दो एक्स की वैल्यूज आ रही है, कहाँ पर मैक्स कहाँ पर मिन, ये तो पुट करके ही पता चलेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो f" x है ना, जो f" x है, जो कि था मेरे ख्याल से माइनस का साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो पहले 3π/4 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन 3π/4 प्लस कॉस 3π/4, देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है भाई। तो 3π/4 को आप लिख दो पाई माइनस पाई बाय 4, और इधर भी लिख दो पाई माइनस पाई बाय 4। अभी मैंने आपको बताया पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, सेकेंड में साइन होता है पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा पाई बाय 4, लेकिन ये होता है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा नेगेटिव कॉस पाई बाय 4। तो -1/√2 -1/√2, इसका रिजल्ट आएगा तो नेगेटिव, यानी कि एक्स इक्वल टू 3π/4 नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, तो मतलब ये है लोकल मैक्सिमा। अगर आपको वैल्यू चाहिए तो आप क्या करो, जो फंक्शन था हमारा उसमें 3π/4 पुट कर दो। फंक्शन क्या था देख लो भाई, फंक्शन है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यहाँ पर पुट करो, तो साइन 3π/4 माइनस कॉस 3π/4, तो इसको लिख दो फिर से π-π/4 माइनस कॉस π-π/4। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये तो पॉजिटिव रहेगा, साइन पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये होता है 1/√2, ये भी 1/√2, अभी इसका आंसर बताया था 2/√2, इसका आंसर क्या आया था √2। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ये क्या हो गई अपनी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ठीक है भाई। अब 7π/4 रह गया, अब डबल डेरिवेटिव में 7π/4 पुट करो, ये रहा डबल डेरिवेटिव, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ पर लिखो माइनस साइन 7π/4 प्लस कॉस 7π/4, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का साइन, इसको लिख दो 2π-π/4, और इसको लिख दो 2π-π/4, तो ये हो जाएगा हमारा, दोनों ही फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करते हैं, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस, और ये भी होता है पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस पाई बाय 4, तो ये हो जाएगा 1/√2 1/√2, तो इसका आंसर क्या आएगा, √2, जो कि 0 से बड़ा है, मतलब क्या वैल्यू दे रहा है, ये दे रहा है मिनिमम। और अगर आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो फंक्शन है हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नहीं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये जो फंक्शन है इसके अंदर आप 7π/4 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा साइन 7π/4 और माइनस का कॉस 7π/4। वैल्यू चाहिए तो इसको फिर से वही लिखो 2π-π/4, और यहाँ पर भी लिखो कॉस 2π-π/4, तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, ये फोर्थ में नेगेटिव होता है, और ये फोर्थ में ये पॉजिटिव होता है, तो कॉस का पाई बाय 4, तो ये हो जाएगा -1/√2 -1/√2 -2/√2 और माइनस का, तो ये क्या हो गई मिनिमम। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर
ट्रिग्नोमेट्री जरा यूज हो गई यहाँ पर, ठीक है ना, वो आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आ जाओ, इसका फिफ्थ पार्ट जो है, फंक्शन दे रखा है यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 15। तो यहाँ पर हमें बताना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो पहले इसका एफ डैश एक्स निकाला तो क्या आया, 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 9, और डबल निकाला तो ये आ गया 6x माइनस का 12। अब क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स शुड बी ज़ीरो। देखो भाई, इस पूरे में एफ डैश एक्स में तीन कॉमन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तीन को भगा दो उधर और इसके फैक्टर कर दो, फैक्टर होंगे 3 × 1 = 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लो एक्स माइनस 3, माइनस 1 कॉमन ले लो एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। एक बार एक्स माइनस 3, एक बार एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। एक बार एक्स हो गया 3 और एक बार एक्स हो गया 1, ठीक है भाई। अब डबल डेरिवेटिव में पहले 1 रखते हैं, तो यहाँ पर 6 × 1 − 12 रखा, 6 × 1 − 12, ये देगा रिजल्ट माइनस, नेगेटिव आ गया। और 3 रखता हूँ तो डबल डेरिवेटिव में 3 रखता हूँ तो 6 × 3 − 18 = 12, 6 ग्रेटर देन 0। मतलब 1 पर है मैक्सिमम, ये है लोकल मैक्स और ये है लोकल मिन। अब वैल्यू चाहिए तो 1 पुट करो इसके अंदर, 1 पुट करो तो ये क्या हो जाएगा, 1³ − 6, 1² प्लस 9 × 1 प्लस 15। तो ये हो जाएगा 1 − 6 प्लस 9 प्लस 15, तो ये हो जाएगा आपका 10, 10 और 15 25 में 6 गए, 25 में 6 गए 19 आ गया आंसर। तो ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। और अब 3 पुट करो फंक्शन के अंदर, 3 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 3³ − 6, 3² प्लस 9 × 3 प्लस 15, ऐसे ही होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 27 − 9 = 54 प्लस 27 प्लस 15, 27 × 27 = 54 होता है, ये तो गया 15 आंसर आ गया, ये मिनिमम वैल्यू हो गई, ठीक है भाई। सिक्स्थ पे आ जाओ, इसका पार्ट 6। सिक्स में है gx दे रखा है हमको, gx दे रखा है x/2 + 2/x, बोल रहा है x की वैल्यू 0 से बड़ी है, x आपको लेना है 0 से बड़ा। तो पहले इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ g′x, तो इसका डेरिवेटिव x का तो 1 होता है, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, देखो अगर आपको याद हो बहुत बढ़िया, नहीं याद हो तो मैं बता देता हूँ। मैंने बताया था आपको 1/x का डेरिवेटिव आपको डायरेक्ट याद रखना है −1/x², तो यहाँ पर आप डायरेक्ट याद रखो −1/x², यानी कि g′x क्या आ गया, 1/2 − 2/x². अब इसका डबल डेरिवेटिव करना है तो ये तो हो जाएगा 0, माइनस का 2 का होगा नहीं। अब 1/x² का डेरिवेटिव कैसे करें, तो ये भी मैंने आपको पहले बता रखा है कि कभी भी आ जाए अगर 1/(x)n, 1/(x)n का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, पावर ऊपर लिखो विद नेगेटिव साइन और पावर में 1 बढ़ा दो, ये होता है रूल करने का। जब भी आ जाए 1/(x)n जो मर्जी हो, उसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, पावर लिखो ऊपर विद नेगेटिव साइन और पावर में 1 बढ़ा दो। जैसे 1/(x)² है, तो 1/(x)² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 ऊपर लिखो विद माइनस साइन और पावर में 1 बढ़ा दो x³। तो यहाँ पर लिखा मैंने −2/(x³), तो इसका आंसर आ गया 4/(x³, ठीक है भाई। अब g′x देखेंगे 0 से बड़ा आ रहा है 0 से छोटा आ रहा है, उसके लिए क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए g′x को रखना पड़ेगा 0, तो 1/2 − 2/x² को रखो 0, तो 1/2 हो जाएगा 2/x², क्रॉस करूँगा तो x² हो जाएगा 4, x हो जाएगा √4, x हो जाएगा ±2, यानी x की वैल्यू 2 आ रही है और −2 आ रही है, लेकिन उसने बोला है 0 से बड़ा लेना है, तो इसको करना पड़ेगा रिजेक्ट। तो 2 पर चेक करेंगे g′x, 2 पर आप पुट करोगे g′x में 2 पुट करोगे तो 4/(2³³, तो ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, मतलब ये हो गया लोकल मिनिमा आ जाएगा, ठीक है ना। अब लोकल मिनिमा में क्या होगा, अगर आपको वैल्यू चाहिए तो आप क्या करो, फंक्शन के अंदर 2 डाल दो, तो ये हो जाएगा 2/2 + 2/2, तो ये हो जाएगा 1+1, कितना आंसर आ जाएगा, ये हो गई इसकी मिनिमम वैल्यू, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा सिक्स्थ पार्ट, अब आ जाओ सेवन्थ पर।
पार्ट सेवन। सेवन में क्या बोल रहा है, जी एक्स दे रखा है वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस टू, वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस टू। ठीक है भाई, तो यहां पर अगर मैं सिंगल डेरिवेटिव निकालता हूं, ये भी मैंने आपको बता रखा है कि अगर मान लो आ जाए वन अपॉन एफ एक्स, आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है, ये भी आपको ट्रैक याद रखना है। अगर आ जाए वन अपॉन एफ एक्स, इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव करके ऊपर लगा दो माइनस और नीचे लिख दो फंक्शन का स्क्वायर। क्या बोला, फंक्शन का डेरिवेटिव करके ऊपर लगा दो विद माइनस और नीचे फंक्शन का स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, ऊपर लगा दो माइनस और फंक्शन का। अब देखो भाई, अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव करता हूं तो कहीं ना कहीं ये डिफरेंशिएशन थोड़ा सा मुश्किल है। क्वेश्चन रूल लगाऊंगा तो कहीं ना कहीं, हालांकि मैम ने इससे भी टफ टफ क्वेश्चन कर रखे हैं, अभी तक हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे थे, ये मैं आपको सिखाता हूं सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट से। जब भी आपको लगे यार डबल डेरिवेटिव टेस्ट, डबल डेरिवेटिव करना मुश्किल हो रहा है, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, तो आप सिंगल लगा लो। तो इसके अंदर क्रिटिकल पॉइंट तो चाहिए ही होंगे, जी डैश एक्स को जब आप जीरो रखोगे तो माइनस टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। देखो भाई, ये तो होल स्क्वायर है, दिस शुड नॉट बी जीरो, ये तो कभी जीरो हो नहीं सकता, इसको छोड़ दो। माइनस टू एक्स को जब जीरो रखा तो एक्स की वैल्यू यहां से क्या आ गई, यानी क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है जीरो। अब आपको क्या करना है, जीरो पुट करो और डेरिवेटिव चेक करो, जीरो से लेफ्ट पे जाके जीरो से राइट पे जाके। जब जीरो से लेफ्ट गया मान लो माइनस वन, तो यहां पर माइनस वन रखा तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस का टू, और नीचे तो क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता ना, ऊपर आ रहा है प्लस का टू, यानी कि लेफ्ट में जा करके इसका साइन है प्लस। अब राइट में जाओ वन पुट करो, नीचे वाले को मत चेक करना, नीचे वाले को मत चेक करना, यहाँ पर वन पुट करा ये आ गया माइनस टू, तो यहाँ पर आ रहा नेगेटिव। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी साइन चेंज हो प्लस टू माइनस तो क्या होता है, लोकल मैक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है भाई, ये सिंगल डेरिवेटिव, इससे क्या हो गया आप डबल डेरिवेटिव करने से बच गए, वो थोड़ा टफ था उससे बच गए आप। तो लोकल मैक्सिमा जब भी प्लस से माइनस चेंज होगा तो लोकल मैक्सिमा होता है जीरो पर, अगर आपको वैल्यू चाहिए तो आप जीरो पुट करो फंक्शन के अंदर, वन अपॉन में जीरो का स्क्वायर प्लस टू, वन अपॉन में जीरो का स्क्वायर प्लस टू, तो आंसर आ गया वन अपॉन टू, खत्म बात। ठीक है भाई, एट पर आ जाओ, इसका एट पार्ट है, फंक्शन दे रखा है एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी है। ठीक है भाई, यहाँ पर भी अगर मैं सिंगल डेरिवेटिव करूँ एफ डैश एक्स तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसको वन इसको टू मान लो, दूसरे वाला सेम एक्स का वन प्लस एक्स सेम, इसका क्या होगा वन अपॉन टू अंडर रूट वन माइनस एक्स, वन माइनस एक्स का दोबारा माइनस वन। ठीक है भाई, तो एफ डैश एक्स कितना आ गया, अंडर रूट वन माइनस एक्स माइनस का एक्स अपॉन में टू अंडर रूट वन माइनस एक्स, आंसर ले लो टू अंडर रूट वन माइनस एक्स। तो इसको इससे करूंगा रूट रूट गायब, ये हो जाएगा टू वन माइनस एक्स माइनस का एक्स, तो ये हो जाएगा टू माइनस टू एक्स माइनस का एक्स टू अंडर रूट वन माइनस एक्स, तो टू माइनस थ्री एक्स टू अंडर रूट वन माइनस एक्स। ठीक है भाई, अब क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, तो एफ डैश एक्स को क्या रखना पड़ेगा, एफ डैश एक्स को रखना पड़ेगा जीरो। तो एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, टू माइनस थ्री एक्स अपॉन में टू अंडर रूट वन माइनस एक्स जीरो। तो भाई दिस शुड नॉट बी जीरो, इसको तो जीरो के इक्वल रखना मत, ये तो जीरो हो ही नहीं सकता। ठीक है भाई, रूट में है ना, तो वैसे भी ये उधर जा करके जीरो ही हो जाएगा, ये उधर जाके खत्म हो गया। अब तो बचेगा टू माइनस थ्री एक्स इक्वल टू जीरो, टू हो जाएगा थ्री एक्स, एक्स की वैल्यू आ जाएगी टू बाई थ्री। अब एक्स की वैल्यू टू बाई थ्री कहाँ पर आती है, मान लीजिए टू बाई थ्री यहाँ पर आता है, ये वन है और ये जीरो है। ठीक है भाई, टू बाई थ्री मान लो यहाँ पर आती है। अब जो एफ डैश एक्स था हमारा ये रहा, इस पर चेक करो साइन क्या दे रहा है, अगर मैं जीरो पुट करता हूँ तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, मतलब ये तो आंसर पॉजिटिव दे रहा है कि नहीं, यहाँ पर तो पॉजिटिव दे रहा है। और अगर मैं वन पुट करता हूँ, वन तो पुट नहीं कर सकते भाई, रुको, वन नहीं पुट कर सकते यहाँ पर। टू बाई थ्री क्या होता है, जीरो पॉइंट सिक्स आसपास होता है, जीरो पॉइंट सिक्स होता है ये। ठीक है भाई, वन मत पुट कर देना क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है ना, तो जीरो पॉइंट सिक्स से पहले मैंने जीरो पुट करा तो जीरो ये भी है, जीरो ये भी है, पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है ये। जीरो पॉइंट सिक्स है ना, ये जीरो पॉइंट एट पुट कर देता हूँ, 0.8 पर ये कितना हो रहा है,
0.8 पर ये हो जाएगा 3 8 24, तो 2 माइनस 2.4, और ये तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, मतलब 2 में से 2.4 का नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, मतलब ये माइनस हो गया। तो यहाँ पर भी साइन चेंज हुआ, प्लस टू माइनस मतलब एक्स इक्वल टू 2/3 क्या है, लोकल मैक्स। और अगर आपको वैल्यू चाहिए तो फंक्शन क्या था, एक्स अंडर रूट 1 माइनस x था ना, पुट करो 2/3 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 2/3 अंडर रूट 1 माइनस 2/3। एलसीएम लोगे, 3 में से 2 गए 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 2/3√3। ये हो गई इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है भाई, तो ये थे इसके 8 पार्ट, सिंगल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव दोनों से मैंने आपको करवाए कैसे निकालते हैं। ठीक है भाई, आप कोई भी टेस्ट जो है वो यूज़ कर सकते हो एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें फंक्शन दिया हुआ है, बोल रहा है ई की पावर एक्स, 4 में बोल रहा है प्रूव करो इन फंक्शंस का ना मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा, ना ही मैक्सिमम ना ही मिनिमम। तो जब मैं इसका सिंगल डेरिवेटिव कर रहा हूँ तो यही का यही आएगा, और क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए मैं इसको 0 रखा। ठीक है भाई, अब आप ज़रा एक एक्स की वैल्यू ऐसी सोचो जो मैं यहाँ पर पुट कर दूँ और आंसर आ जाए 0। सोचो क्या कोई वैल्यू होगी ऐसी, यहाँ पर मैं पुट करूँ और आंसर आ जाए 0। मान लो 1 पुट करता हूँ तो ई आ जाएगा, 2 पुट करता हूँ तो ई का 2, ई का 3, कभी 0 आएगा नहीं। आप कहोगे सर 0 रख दो, तो भाई ई की पावर 0 भी 1 होता है, 0 नहीं होता। ठीक है, आप कहोगे नेगेटिव रख दो तो 1/e, 0 तो नहीं हुआ ना। ठीक है, तो यानी कि ऐसी कोई एक्स की वैल्यू नहीं है जो इसका आंसर क्या दे दे 0। तो यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर नो वैल्यू ऑफ एक्स ई की पावर एक्स इज 0। तो जब क्रिटिकल पॉइंट से नहीं आ रहे हैं तो मैक्सिमम मिनिमा कहाँ से आएगा, तो लिखेंगे फंक्शन हैज नीदर मैक्स नॉर मिन। ठीक है भाई, नीदर मैक्स नॉर मिन। तो भाई याद रखना, जब क्रिटिकल पॉइंट से नहीं आ रहे तो भाई मैक्स मिन कहाँ से आ जाएगा, अपने आप पैदा नहीं हो सकता वो, क्रिटिकल पॉइंट्स निकलने बहुत ज़रूरी नहीं निकल रहे इसके अंदर। ठीक है, सेकंड पार्ट पर आ जाओ, इसका सेकंड पार्ट है लॉग एक्स, फंक्शन क्या है लॉग एक्स। तो जब मैंने इसका डेरिवेटिव करा, इसका डेरिवेटिव होता है 1/x, और डेरिवेटिव को 0 रखा क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए। अब क्या मुझे आप एक्स की वैल्यू ऐसी बता सकते हो जो मैं यहाँ पर पुट करूँ और इसका आंसर 0 आ जाए, आप कहोगे नहीं। 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4, 5, -1, जो मर्जी वैल्यू पुट करो भाई 0 नहीं दे सकता ये, ना 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 ना, 0 दे ही नहीं सकता ये। आप कहोगे सर 0 रख दो, तो 1/0 तो भाई इन्फिनिटी होता है, 0 थोड़ी होता है। तो लिखेंगे फॉर नो वैल्यू ऑफ एक्स 1/x इज 0, कोई भी x वैल्यू के लिए 0 नहीं हो सकता, तो फंक्शन हैज नीदर मैक्स नॉर मिन। जब क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं आ रहे तो भैया कहाँ से पैदा करें मैक्सिमम मिनिमम को, नहीं कर सकते। ठीक है भाई, ना मैक्स होगा ना मिन होगा। तीसरा आ जाओ लास्ट, इसका थर्ड पार्ट, थर्ड में है एच एक्स दे रखा है आपको, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, बोल रहा है इसका भी नीदर मैक्स नॉर मिन होगा, प्रूव करो। डेरिवेटिव निकालता हूँ, डेरिवेटिव आ रहा है 3x² + 2x + 1। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स निकालेंगे, मिडिल टर्म से तो नहीं आ रहे, तो डी से निकाल देंगे। आपको पता होगा डी का फॉर्मूला b² - 4ac, या तो डी पॉजिटिव आता है या 0 आता है या नेगेटिव आता है, ऐसे ही होता है ना। अगर पॉजिटिव आता है तो रूट्स निकालते हैं, 0 पर भी रूट्स निकालते हैं, नेगेटिव आता है तो रूट्स नहीं निकालते। क्या लिखते हैं कि इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। यानी कि अगर d की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो x की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते रियल नंबर में। तो पहले मैं इसका d निकालता हूँ, d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, b की जगह 2 का स्क्वायर -4 × 3 × 1, तो 4 - 12 - 8 नेगेटिव आ रहा है, तो लिखेंगे फोर रूट्स आर, इसके रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, रूट्स जो है इमेजिनरी है, रियल नंबर में नहीं आ रहे हैं। तो फॉर नो वैल्यू ऑफ एक्स इन रियल नंबर फॉर विच
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन जीरो हो जाए, है ही नहीं। तो फंक्शन हैज नीदर मैक्स नॉर मिन, ना ही मैक्स होगा इसका और ना ही मिन होगा। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ ये दो क्वेश्चन आपको प्रॉपरली समझ में आए होंगे। कोई भी दिक्कत लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।